आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तरफ से आपला महानगर युवक और महानगर जिला जिले के तरफ से आज पेट्रोल के भाव के बारे में आज 85 रुपए लीटर जो पेट्रोल हो गया है उसका विरोध करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यहां पर मोर्चा निकालती हुई है। ये मोदी सरकार जो 60 रुपये पेट्रोल जब 60 रुपये पेट्रोल तो यूपी सरकार में जब मोर्चेबंदी करती थी अच्छे दिन का वादा दिखाकर सत्ता में आया यार 85 रुपये लीटर पेट्रोल हो चुका है, लेकिन जब मोदी सरकार पब्लिक की तरफ कुछ ध्यान नहीं दे रही है, लोगों की तरफ कुछ ध्यान नहीं दे रही है, यही हाल इनका रहा है। जब 400 रुपये का सिलेंडर था तो स्मिता ईरानी जी बीजेपी के कई बड़े बड़े नेता रोड पर आ गए थे, आज यही गैस सिलेंडर 900 रुपये का हो गए, लेकिन मोदी सरकार कुछ कम भाव करने को तैयार नहीं है। दाल की कीमत देखो, पेट्रोल की कीमत देखो, सिलेंडर की कीमत देखो, आज ये बहुत महंगाई बढ़ चुकी है, लेकिन ये मोदी सरकार किसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है और बातें बड़े बड़े करते हैं, सबका साथ सबका विकास नहीं, किसी का विकास नहीं कर रही है। मैं नहीं कहना चाहता हूँ मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो, ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहब हमारे पुराने दिन ही लौटा दो। ये महाराष्ट्र की सरकार और महाराष्ट्र की सरकार और केंद्र की सरकार ने जो पेट्रोल डीजल के जो भाव बढ़ाई है, आज 60 रुपये लीटर पेट्रोल था, ये सरकार रोड पर आके बोलती थी कि यूपी सरकार ने 60 रुपये लीटर पेट्रोल कर दिया, लेकिन आज ये भाव 85 रुपये लीटर पहुंचने के बावजूद भी ये सरकार कुछ एक्शन नहीं ले रही है। सिलेंडर की कीमत 400 से 800 रुपये हो गई है, लेकिन ये कुछ कम करने को तैयार नहीं है। तो हम इसका निर्देश करते हैं, राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस पार्टी अकोला जिला सब मिलकर हम आज इनका बहिष्कार कर रहे हैं, इनका विरोध कर रहे हैं यहाँ पर, क्या भाव कम लो। हमारे बाजू में देश है, छोटा तो देश है नेपाल, अपने बाजू का देश है, वहाँ पर पेट्रोल वो अपने इंडिया से खरीदते हैं और लेकिन वो 60 रुपये बेचते हैं, कि क्या मजबूरी है प्रधानमंत्री साहब की जो नेपाल 60 रुपये बेच रहे हैं और हम 85 रुपये बेच रहे हैं। इसका जवाब देना चाहिए प्रधानमंत्री जी ने, कि अब नेपाल अपने से खरीद रहा है, श्रीलंका अपने से पेट्रोल खरीद रहा है, 60 रुपये बेच रहे हैं, और लेकिन हमारे हिंदुस्तान की सरकार तानाशाही सरकार 85 रुपये पेट्रोल पब्लिक के आंख पर ठोक दी है। तो हम इसका निर्देश करते हैं और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये निवेदन देते हैं।